नमस्कार, हैक्स न्यूज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं जनपद की कुछ खास खबरों के साथ। यश भारती और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित विश्व स्तरीय मुक्केबाज धर्मेंद्र सिंह यादव का समाजवादी पार्टी के MLC डॉक्टर दिलीप यादव के आवास पर स्वागत किया गया। साथ ही साथ उन्होंने पत्रकारों को अपने हुनर के बारे में जानकारी भी दी। देखिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की ये रिपोर्ट। चंद कम है, किस तरह इसका विस्तार हो सकता है और क्या MLC साहब से आपकी बातचीत हुई है? बिल्कुल, MLC साहब से मेरी जो मुलाकात बहुत पहले की है। उन्होंने मेरे को पहले भी वही आगमन के लिए बोला था। मैं पहले भी आया हूँ यहाँ पर, यादव युवा महासभा का प्रोग्राम हुआ था तब उसमें गए थे। लेकिन अभी जो आपने जैसे बोला खेल के क्षेत्र में, जैसे MLC साहब बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, बोल रहे कि बड़ी यहाँ पर कुछ करा जाए, और इसमें कोई शक नहीं है। अभी जो है एक तो गाँव और छोटे कस्बों के खिलाड़ी जो है बहुत ऊपर आ रहे हैं। एशियन गेम के रिजल्ट देखो, आप कॉमनवेल्थ गेम के रिजल्ट देखो जो भी हाल ही में हुए, तो उसमें जितने भी युवा खिलाड़ी जिन्होंने जो रिजल्ट दिए, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है या ज़्यादा से ज़्यादा मेडल पदक हासिल करें, वो सब छोटे छोटे कस्बों या आसपास के गाँव से हैं। बस उन्हें माहौल मिल गया, उन्हें ट्रेनिंग अच्छी मिल गई, वो ऊपर आ गए। अभी आप उठा के देख लीजिए, बॉक्सिंग में जितने भी अभी मेडल आए हैं, रेसलिंग में जितने मेडल आए हैं, चाहे विनेश फोगाट है एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ में गोल्ड है, या बजरंग पूनिया है, अमित पंघाल है, इन सबका जो पीछे का माहौल रहा है सब ये गांव और छोटे कस्बों से रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि ऐसे बच्चों को अगर यहाँ से छोटी सी जगह से हम एकेडमी खोलेंगे और यहाँ से ग्रासरूट लेवल पे तैयारी करी जाएगी, तो यहाँ के जो बच्चे आज नहीं आने वाले समय में ओलंपिक और एशियन गेम अच्छी अच्छी जगह में रिजल्ट देंगे और देश का मान कमाएंगे। 1992 में ओलंपिक खेले हुए हैं और बॉक्सिंग में, इसके बाद यश भारती सम्मान भी मिला है आपको, और आपसे हमने राय ली कि उत्तर प्रदेश में हम लोग इस खेल को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं बॉक्सिंग को। इनके सहयोग से आपने कहा है कि आगरा मंडल में यहाँ कोई एकेडमी नहीं है, एकेडमी अच्छी खोली जा सकती है जिसमें प्रतिभाशाली बच्चे जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा हो, जिन्हें कुछ सिखाया जा सकता हो। ऐसे बच्चे बहुत से जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, बाहर दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में सुविधाएँ नहीं मिल पाती, अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता, लिहाजा फिर लौट के घर आ जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे प्रतिभाशाली नौजवानों के लिए यहाँ एक बड़ा चांस और मौका मिल सकता है। आज श्री धर्मेंद्र यादव जी किसी यहाँ प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आए हैं, तो हमने एक बार बहुत पहले बुलाया था 15 साल पहले, उस समय भी ये सब बातें हुई थी, तो आज भी आपसे पूरी हमने जानकारी ली और आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। आप खेल के क्षेत्र में नए युवा लोगों को बहुत जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जगह 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 जा कर के लोगों को एक माहौल देने का काम कर रहे हैं, जानकारी देने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम ये चाहते हैं आगरा मंडल में, खासतौर से फिरोजाबाद में कोई एकेडमी खोली जाए जिससे बॉक्सिंग के पार्ट में, बॉक्सिंग के क्षेत्र में नौजवान निकल के आए। आपको बहुत बड़ा इस क्षेत्र में जानकारी है, नॉलेज है, आप खेले हुए हैं, यश भारती सम्मान भी मिला है और आप ओलंपिक में खेले हुए हैं, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा बधाई धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ ही मांग करते हैं आपसे, आप हमारे उत्तर प्रदेश में और फिरोजाबाद ज़िले में यहाँ सहयोग करें। हम माननीय बड़े नेताओं से संपर्क कराकर किसी तरह से यहाँ ये एकेडमी चालू करना चाहते हैं। हमें लगता है आगे भविष्य में इनकी मदद लेके हम चालू यहाँ कर लें।